हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार से फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन सेंटर में। आज हम बात करेंगे श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिसका ऑनलाइन एडमिशन कैसे होता है। इसका वीडियो मैंने चैनल पर डाला था, जिसको आपने बहुत सारा लाइक शेयर और कमेंट भी किया है, ठीक है। और बच्चे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भैया इसका आईडी कार्ड कब तक आएगा, इसका लाइब्रेरी कार्ड कहाँ बनेगा, तो सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका ये मेन साइट है SMTD कॉलेज यानी श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय का। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इसके मेन साइट पर चले आए। तो अगर आपको आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, सारा प्रोसेस जानना है, और लाइब्रेरी कार्ड कैसे बनेगा, अगर आपको इस बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो बिना स्किप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो हम चलेंगे इस साइट पे। इस साइट पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, हम नीचे स्क्रॉल करने के बाद चले जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर दिया स्टूडेंट लॉग इन, ठीक है। आपको इस वाले सेक्शन पर क्लिक नहीं करना है, आपको इस वाले सेक्शन में चले आना है, एडमिशन न्यू 2023-24, ठीक है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो इस वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप एमए के लिए फॉर्म भरे हैं, आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप जो है कि बीए के लिए फॉर्म भरे हैं, बीएससी के लिए फॉर्म को है, बीकॉम के लिए फॉर्म भरे हैं, अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए फॉर्म भरे तो इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आप चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के हो या अंडर ग्रेजुएट के, दोनों का जो आईडी कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस है वो सेम है, ठीक है। मैं किसी एक का बता देता हूँ, आप किसी पर भी क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आपने एडमिशन करते वक्त दिया था, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर लॉगिन का। हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, हमें लॉगिन वाले सेक्शन पर चले जाना है। हम जैसे ही लॉगिन वाले सेक्शन पर चले जाएंगे, आप अपना मोबाइल नंबर जो आपने एडमिशन करते वक्त दिया था या जो अपने मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन किया था वो यहाँ से देंगे, ठीक है। पासवर्ड की कोई जरूरत नहीं है, आपको पासवर्ड यहाँ पर फिल नहीं करना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल करेंगे, आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ से लॉगिन करेंगे, ठीक है। चलिए उसे लॉगिन कर लेते हैं। हम जैसे ही लॉगिन करेंगे, आपका जो भी डिटेल आपके सामने खुल जाएगा, आपका नाम दिखाई देगा, यहाँ पर भी आपका नाम दिखाई देगा, यहाँ पर आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा। प्रिंट फॉर्म यहीं से कर सकते हैं, पेमेंट स्टेटस आप यहां से चेक कर सकते हैं, फीस रिसिप्ट यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने पेमेंट किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें आईडी कार्ड डाउनलोड करना था, इस वाले सेक्शन पर आप देख पा रहे हैं आईडी कार्ड का ऑप्शन आ चुका है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए इस वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड आइडेंटिटी कार्ड, इस पर हम क्लिक करेंगे। हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमने सामने सीधे ये प्रिंट पर लेके चला जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं मेरे प्रिंट का ऑप्शन खुल चुका है, इसको हम यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल करने के बाद आप देख पा रहे हैं ये पूरा डिटेल मेरे सामने आ चुका है, जिस भी कोर्स के लिए आप फिल किए होंगे फॉर्म को वो आपका कोर्स दिखाई देगा। सेकंड में लेजर नंबर दिखाई देगा, नाम दिखाई देगा, आपके फादर का नाम यहाँ से दिखाई देगा। इस वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको एड्रेस दिखाई देगा, डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पर जो है कि लेजर नंबर यही दिखाई देगा जो यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। तो आप यहाँ से कंट्रोल पी करके फाइनल प्रिंट आउट आप इसको रख लेंगे या पीडीएफ बना के खुद से मोबाइल में रख लेंगे, ठीक है। अगर आपने एक बार यहाँ से डाउनलोड कर लिया, फिर अगर दोबारा लॉग इन करके डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक वाटर मार्क आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, डुप्लीकेट आईडी आपको दिखाई देगी यहाँ पर, ठीक है। ये जो है कि आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड है, अगर आपको जो कि दोबारा डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर डुप्लीकेट आईडी कार्ड लिखेगा 1, 2, 3, 4 करके ऐसे, ठीक है। इसको जो कि पीडीएफ बनाकर रख लीजिएगा। तो आपने देखा किस तरह से हमने आईडी कार्ड कितने अच्छे तरीके से डाउनलोड कर लिया है। आप इसको जो कि साइबर कैफे से प्रिंट करा सकते हैं, खुद मोबाइल में इसको पीडीएफ बनाकर रख सकते हैं और साइबर कैफे पे जाकर इसको निकलवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लॉग आउट कर लेंगे, ठीक है। लॉगआउट करने के बाद और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि बच्चे बहुत सारा कमेंट कर रहे थे, लाइब्रेरी कार्ड कब तक बनेगा, कहाँ बनेगा, तो मैं ये बता दूं, जब आप आईडी कार्ड बना लेंगे, आईडी कार्ड का फोटोकॉपी आपको एक कॉलेज में ले जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको जो कि कार्यालय के बगल में होता है, जो वहीं से आप जो कि किताबें जो कि प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। वहीं आपका जो कि लाइब्रेरी कार्ड भी वहीं पर बनेगा, ठीक है। ये ऑनलाइन आपका नहीं निकलता है लाइब्रेरी कार्ड, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से हमने बता दिया कि आप आईडी कार्ड यानी टीडी कॉलेज के आईडी कार्ड और लाइब्रेरी का दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।